इसने पहली बार देखा। मैं यहाँ से गुजर रहा था सर, तो बच्चे के रोने की आवाज सुनी। यहाँ के देखा तो बच्चा रो रहा था और एक लाश पड़ी थी वहाँ औरत की। राणे भाई बाल लगे। गला घोंट कर मारा गया है, गले पर निशान देख रहे हो? कुछ पता चला ये कौन है? जी सर पता किया, ये प्रोस्टिट्यूट है, हाईवे पे धंधा करती थी। रिकॉर्ड पिछले हफ्ते में जिस औरत की डेड बॉडी मिली थी वो भी तो प्रोस्टिट्यूट थी। जी सर। ठीक है, फॉरेंसिक को बुला और इसकी लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सर। अपने पूरे करियर में मैंने ऐसे कई केसेस देखे हैं जहां जुर्म की वजह होती है जलन या फिर लालच, या फिर बदले के लिए जुर्म किया जाता है, या फिर कभी कभी सिर्फ मजे लेने के लिए। नमस्कार, मैं इंस्पेक्टर राजेश जाधव क्राइम पेट्रोल दस्तक के आज के इस भाग में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको जिस केस के बारे में बताने जा रहा हूं वहां जुर्म की वजह थी एक आदमी की सनक। ऐसी सनक जो शायद उस आदमी की जिंदगी के साथ ही खत्म हो जाती है। उस सनक में ऐसे क्राइम्स किए गए जिसे सुनकर, जिन्हें जानकर आपकी रातों की नींद उड़ जाती है। सर, इस औरत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पिछले हफ्ते मिली औरत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैच करती है। दोनों को मारने से पहले उनके साथ सेक्स किया गया था, जिसके बाद उनका गला दबा के उन्हें मार दिया गया। पर एटलीस्ट इस केस में तो ऐसा नहीं लगता कि ये मर्डर पैसों के लिए किया गया हो, क्योंकि बॉडी के पास तो पैसे पड़े हुए हैं। समझ में ये नहीं आ रहा है कि जिस किसी की भी साथ ये गई होगी उसने इसे मारा क्यों। जरूरी नहीं कि वो एक ही आदमी हो। एक नोटिस की तुमने बात गया कोर्ट, इसकी गर्दन पर ग्रीन नायलॉन रस्सी के छोटे छोटे रेशे मिले। लेकिन ऐसा कुछ तो हमें पिछले केस में नहीं मिला। हो सकता है तब रस्सी नहीं हो। मुझे ऐसा लगता है गायकोड, इन दोनों मर्डर केसेस में कुछ ना कुछ कनेक्शन है, क्योंकि पीएम रिपोर्ट और मारने का तरीका दोनों सेम है। हो सकता है कातिल भी सेम हो। सर, ये बच्ची कब से रो रही है, छुपी नहीं हो रही है। अरे ए ए सोनू, ए ए ए इकड़े भाग। आले आले आले। हंसी, माँ के गोद की आदत पड़ गई है इसको। गायकोड, एनजीओ वालों को बोल दो कि इसको आकर ले जाए। जी सर, बता दिया। इधर दे। चल जल्दी हाथ चला राजू। हाँ भाई चल। एक ये देना। अरे जाना दूंगा, एक मांगने आ गया, तू दे मेरे को। हे राजू, खारी भाव डेली का उसका। अरे बच्चा है, कुत्ता नहीं है। चल बेटा, भूख लगी तेरे को, वड़ा पाव दे उसको। दे वड़ा पाव। ले भाई, और दू क्या? चल काम कर, चल जल्दी जल्दी कर। अरे भाऊ, याद है वृंदा वहिनी का फोन आया था? अरे हाँ, वो मेरा बात हुआ तो सुबह मिल नहीं पाया ना। है बस वही बोल रही थी। और ये क्या है तुम्हारा, वहिनी वहिनी लगा रखा है, अभी तक लगन नहीं हुआ मेरा और उसका? तो भाव नहीं हुआ तो हो जाएगा ना। आई, जो महेश अंकल ने चॉकलेट दी थी ना, वो मुझे दो ना। चॉकलेट चाहिए तुझे? देती हूँ। आजकल बहुत ख्याल रख रहा है तुम दोनों का महेश। अच्छा लगता है मुझे महेश, हम दोनों का बहुत ख्याल रखता है। इतना ही ख्याल रखता है तो उसके घर क्यों नहीं चली जाती, यहाँ पे क्यों पड़ी है? और वो महेश एक नंबर का गुंडा है, तुझसे शादी कभी नहीं करेगा। और यहाँ हमारे सर पे बैठने से अच्छा है तू ससुराल क्यों नहीं चली जाती। वहां जा, अपना और अपनी बेटी का हिस्सा मान। अगर काय बोलती है तू, बहन है वो मेरी, यहाँ नहीं रहेगी तो कहाँ जाएगी? कहीं भी जाए, हमारे घर से निकल जाए, हमें चैन से जीने दे। लो, नाम लिया और हाजिर हो गए। इन्हें लेने आए हो, लेके जाओ, जाओ। तू टेंशन मत ले, एक दिन लेने के लिए भी आएगा मैं।
तब तक इनके यहाँ रहने से तुम लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रतीक के बाप का घर नहीं है सिर्फ, वृंदा के बाप का भी घर है। देख भाई ऐसे कुछ नहीं है, बहन है वो मेरी। चुप कर। अगर मेरे को पता चला कि तुमने वृंदा को और प्राची को तकलीफ दी है तो इधर आना जाना लगा रहता है मेरा। तुम दोनों का बराबर हिसाब करेगा मैं। चलता हूं वृंदा। गले पर निशान देख रहे हो, इसको भी गला घोंट कर मार दिया गया। मतलब चांसेस है कि ये भी प्रोस्टिट्यूट हो सकती है। अगर ये है तो फिर ये कोई ऐसे सीरियल किलर का काम है जो सिर्फ प्रोस्टिट्यूट्स को अपना टारगेट बना रहा है। मगर वो इन्हें मार क्यों रहा है, क्या मोटिव हो सकता है? फिलहाल इसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और उनको बोलना जरा जल्दी भेजे रिपोर्ट। सर मंग्या की आई कह रही थी आज हाईवे पे एक और औरत की लाश मिली है। चांदनी हसीना और अब पिंकी। ऑफ कोर्स ये इनके असली नाम तो नहीं होंगे। तीन प्रोस्टिट्यूट्स का मर्डर हुआ है और वो भी हाईवे पर जहां कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। बहुत ही प्लानिंग से ये सब कर रहा है गायकवाड। हाँ मैंने बीपी की गोली ले ली है और सुबह से एक भी तीखा वड़ा पाव नहीं खाया है सर। हाँ वड़ा पाव। हाँ टीवी क्या है टीवी पे? और रुको रुको देखता हूँ। हाईवे पर एक के बाद एक तीन देह व्यापार में लिप्त औरतों की लाश मिली है। कातिल बड़े ही चालाकी से अपने काम को अंजाम दे रहा है। पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। तकरीबन 10 दिनों में तीन औरतों का कत्ल हुआ है और पुलिस है कि उनके कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। मैं कैमरामैन आकाश के साथ लाइक खान। गाय काम संभली है झगड़ी। चलो चलो टीवी बकते। शोभा ये बताने के लिए फोन किया तुमने मुझे? अरे वो अरे बाबा रिपोर्टर अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। हाँ चलो रखो फोन अभी। हाँ अरे तुम्हारी कसम मैंने सुबह से एक भी वड़ा पाव नहीं खाया है। हाँ हाँ चलो अरे रखो बाबा रखो। हाँ चलो ओके ओके बाय। अरे सर का है? अभी तो आपने कसम खाई है। हाँ तो सुबह से एक भी वड़ा पाव नहीं खाया, ऐसी कसम खाई है मैंने, अभी खा रहा हूँ सर। हाँ पिंकी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सर। फिर से वही, मारने से पहले उसके साथ सेक्स किया गया था और गले पे ग्रीन नायलॉन की रस्सी के रेशे मिले। मतलब मर्डर वेपन एक ही है, ग्रीन नायलॉन की रस्सी। एक काम करो, हाईवे पर सिविल में पेट्रोलिंग बढ़ा दो, इससे पहले वो किसी और का खून करे हमें उसे पकड़ना ही होगा। तू भड़क क्यों रहा है? अरे भड़कू नहीं तो और क्या करूं, तू काम पे लग गई और मेरे को मालूम तक नहीं। अरे मैं तुझे बताने वाली थी, तुम्हें छुपाकर नौकरी थोड़ी करती मैं। अरे मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि तेरे को नौकरी क्यों करनी है, तेरे को देता है ना मैं सब, तेरी बेटी का भी ख्याल रखता है मैं। मुझे पता है कि तू ख्याल रखता है लेकिन मैं नौकरी प्राची के लिए कर रही हूँ। जिधर पे तू काम पे लगी उधर का सेट कैसा है? अरे अच्छा आदमी है वो, तू परेशान मत हो। अच्छा मुझे लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ। ठीक है ठीक है। ये देखिए मैडम ये बहुत प्यारी साड़ी है जी। पैसे काउंटर पे दे दीजिए। एक बात कहूं जी? वो साड़ी तो कस्टमर ले गई लेकिन वो साड़ी जब तुम अपने बदन पर ला कर दिखा रही थी ना, देखा मैंने, बहुत खूबसूरत दिख रही थी। Thank you.
वैसे सोचता हूँ वैसी सेम साड़ी तुम्हें गिफ्ट दे दूँ, पर अगर मैं तुम्हें साड़ी गिफ्ट दूंगा तो तुम्हें भी तो मुझे कुछ देना पड़ेगा ना, समझ रहे हो ना? पगार भी बढ़ा दूंगा। वो मैंने आपको बताया था ना, मुझे घर जल्दी जाना है आज, मैं जाऊँ क्या? हाँ हाँ जाओ ना, लेकिन जो मैंने कहा ध्यान में है ना? महेश कितने बार बताऊँ मैं तुम्हें, वो सेठ के साथ मेरा कोई चक्कर नहीं है, मैं बस अपने काम से काम रखती हूँ। देखा तेरा काम से काम में कैसे दांत फाड़ फाड़ के हंस रही थी तू? वो कुछ नहीं है महेश, वो खुश था क्योंकि मैंने आज सेल अच्छी की थी, वो बस मेरी तारीफ कर रहा था। देख तू अगर मेरे को धोखा देगी ना तो मैं ना मैं महेश मैं तुम्हें धोखा क्यों दूंगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, कहीं छोड़ के नहीं जाऊंगी तुम्हें। सच्ची? हाँ। दीपा ए दीपा सुन तो, या देख दीपा अच्छी तरह से बता रही हूँ, तेरी वो विधवा ननद वहाँ गली में उस महेश के साथ गुलचर्रे उड़ा रही है, अच्छा दिखता है ये, आखिरी बार समझा रही हूँ, ये सब यहाँ नहीं चलेगा, अच्छे से समझा दो उसको, बहुत हो गया अभी और नहीं सहन कर सकती मैं, बहुत सही। दीपा अरे मेरी बात सुनो, इतनी छोटी बच्ची लेके कहाँ जाएगी ये? जहाँ जाना है जाए, और वो है ना उसका यार महेश, वो देख लेगा। दीपा मेरी भांजी है वो। चलो बेटा हो गया। अरे वो छोटी बच्ची है। चलो चलो चलो। बहुत बहुत सुन लिया ने। दीपा मेरी बात सुनो। मैंने बहुत सुन लिया। मेरी कहना ये। बिल्कुल। दीपा आप अरे राजू भाव ये राजू है महेश के ठेले पे काम करता है। हाँ क्या है राजू? वो क्या हुआ भाई, भाव ने अभी प्राची के लिए ये गिफ्ट खरीदा तो उन्होंने बोला कि ये दे देना, ये चॉकलेट भी दे देना और बड़ा पाव भी है प्राची के लिए। मैं चलता हूँ। देखा अब ये और इसका यार हमें हमारे घर से कब निकल देगा ना, पता भी नहीं चलेगा, बहुत हो गया ये। देखिए आए वृंदा को। अरे क्या हुआ ऐसा चुप क्यों है, कुछ हुआ क्या? अरे बोल ना कुछ हुआ क्या? भाव वृंदा बहनी के साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा उस घर में। कितनी अच्छी फिल्म थी ना। हाँ। कितने दिनों बाद ऐसे बाहर निकले हम लोग कितना अच्छा लग रहा है, वरना तुम्हारी बहन उसने तो जीना हराम करके रखा है हमारा। तुम क्यों सोचती हो उसके बारे में? महेश अरे मार क्यों रहा है उनको? अभी तो सिर्फ थप्पड़ मारा है, इसके आगे सोच भी नहीं सकता कि मैं क्या करेगा। समझा दे तेरी बाइको को कि अगली बार वृंदा के सामने ऊंची आवाज में बात नहीं की ना, काट के इधर ही गाड़ देगा मैं तुम दोनों को, समझा ना? क्या भाव क्या बात है हाँ? आज आप इतनी जल्दी आ गए सुबह सुबह? अरे दिन में काम से जाना है, सोचा जल्दी जाके गाड़ी लगा देता हूँ, लेकिन देखना गाय गाय में पूरा तेल गिर गया। अरे बाओ बिंदास जाओ। अरे आप बिंदास जाओ मैं संभाल लेगा, जाओ पक्का संभाल लेगा ना? बाओ आप बिंदास जाओ मैं संभाल लेगा सब कुछ, दो ठीक है।
बैकवर्ड एनजीओ वालों को इन्फॉर्म करो कि बच्चे को लेकर जाओ। सर क्या लगता है उसे सीरियल किलर का काम होगा? या तो वो हमसे दो कदम आगे चल रहा है या हम बहुत स्लो है। क्या हुआ सर यहाँ क्यों रुके? दिमाग काम नहीं कर रहा। वड़ा पाव, वड़ा पाव खा दे। गायतोंडे सरांसाठी वड़ा पाव सांगा हाँ, आणि माझ्यासाठी एक्स्ट्रा चटणी आणि मिरची। अरे सर आप ये क्या कर रहे हैं? आपके लिए वड़ा पाव मना है, वो भी तीखा। मेरे लिए थोड़ी है, तुम्हारे लिए मंगा रहा हूँ। आओ वड़ा पाव बन। हाँ और एक में थोड़ा ज्यादा चटनी डालना और मिर्ची भी देना। हो सर ठीक है। क्या क्या सड़ा नहीं है? ये आपका चटनी वाला। बैकवर्ड इस औरत के गले पर जो रस्सी के निशान थे उसमें भी अगर हमें वो ग्रीन रस्सी के ट्रेसेस मिलते हैं और अगर इस औरत के साथ भी मारने से पहले सेक्स किया गया है तो ये कंफर्म उसी सीरियल किलर का काम है। और शायद सीरियल किलर को पता चल गया कि हमने ये सायन पनवेल हाईवे पे पेट्रोलिंग बढ़ा दी, इसलिए उसने अपना अगला शिकार ये पनवेल खपोली हाईवे पे ढूंढा है। लेकिन अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये कि वो आदमी यहीं का आसपास का लोकल आदमी है, इसीलिए उसे हमारी हर मूव के बारे में पता चल। पैसे दिले सर। चलो चलो बैठो बैठो। पावती है ना साहब? फ्रेंड अच्छा बना दे वड़ा पाव, क्वालिटी मेंटेन रखना। जी सर। वड़ा पाव महेश वड़ा पाव। आज फिर तो किसी को मार दिया। हाँ सबको मार देगा मैं, सबको मार देगा मैं। बस कर अब, बहुत हो चुका। किसी को नहीं छोड़ेगा मैं, सबको खत्म कर देगा मैं। चला सर ये जो लास्ट बॉडी हमें मिली है सुना है इसका नाम रानी है, लेकिन हो सकता है कि ये भी गलत नाम। और इसके साथ भी मर्डर से पहले सेक्स हुआ है और इसकी गर्दन पर भी ग्रीन नायलॉन रस्सी के ट्रेसेस मिले हैं ना। मैं तुमको कह रहा हूँ गायकवाड, इन चारों का खून एक ही रस्सी से एक ही आदमी ने किया है। लेकिन सर डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक इन चारों औरतों में जो सीमन सैंपल मिले हैं वो अलग अलग, मतलब सेक्स वर्कर होने की वजह से इन्होंने शायद सेक्स किसी और आदमी के साथ किया है और इन्हें मारा किसी और आदमी ने। मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसका मोटिव सेक्स नहीं है, इसका मोटिव लूटपाट नहीं है क्योंकि पैसे इनकी बॉडी के पास ही मिलते हैं, तो फिर इसका मोटिव क्या है? वो क्यों मार रहे हैं इन औरतों को? और हमारे पास कोई क्लू नहीं है। सो फोरेंसिक रिपोर्ट से एक नया क्लू मिला है। इस रानी के गले पे, हाथ पे और गले पे जो ग्रीन रस्सी के रेशे मिले हैं उस पर कुकिंग ऑयल मिला है। मतलब? सर मतलब जिस रस्सी से रानी का गला घोटा गया उस पर कुकिंग ऑयल लगा हुआ था, जो खुद को बचाते हुए और गला घोटते हुए रानी के गले और हाथ पे लग गया। और ये कुकिंग ऑयल भी वो है जो बार बार यूज किया गया है। बार बार यूज किया हुआ कुकिंग ऑयल। गायकोड ये रस्सी जरूर किसी ऐसे आदमी की है जो फ्राइड फूड बेचता है। वो नहीं होता ठेला वेला बांधने के लिए रस्सी नहीं यूज करते ये लोग। एक काम करो, पनवेल से लेकर कामण के बीच में जितने भी ये वड़ा पाव वाले, भजिया वाले, चाइनीज वाले, ये फरसान वाले, जितने भी ठेले वाले, उन सब के ठेले चेक करो और देखो कहीं पर ग्रीन नायलॉन की तेल लगी हुई रस्सी मिलती है क्या। लेकिन सर सिर्फ पनवेल में ही 500 से 600 ठेले हैं। हमारे पास दूसरी कोई चॉइस है? अंग्रेजी में एक बहुत अच्छी कहावत है गायकवाड, बेगर्स कांट बी चूजर्स। शटर क्यों बंद किया? तुमने तो कहा था ना
कि बदले में कुछ दोगे, तो अब ना मत करना। छोड़ो मेरा हाथ, देखो मैं चिल्लाऊंगी। बोला था ना मैं, बोला था ना नौकरी करने की जरूरत नहीं है। देखा ना क्या हुआ, जबरदस्ती कर रहा था वो हलकट। अरे तेरे को लाख बार समझाया कि ज्यादा हंसने बोलने का नहीं। प्रॉब्लम सिर्फ उसकी नहीं है, तुम सारे आदमी एक जैसे होते हो। एक अकेली औरत देखी नहीं कि सहारा देने के नाम पे उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हो। जिसे देखो वो मेरी लाइफ को कंट्रोल करने में लगा पड़ा है। घर में वो वही नहीं है, दुकान में वो गिरीश और यहाँ तुम। मुझे नहीं रहना है, मैं जा रही हूँ। ए, सुन, तू इतना भड़क क्यों हो रही है? क्या मांगता क्या है तेरे को? बोल, मैं करेगा ना तेरी मदद। बोल क्या मांगता है तेरे को? तू लगता क्या है मेरा? हम दोनों का रिश्ता क्या है? रिश्ता मांगता है? मैं करेगा तेरे साथ शादी। क्या बोलती है? तू सचमुच मेरे साथ शादी करेगा? तू सिर्फ हाँ तो बोल। मैं कभी भी तेरे घर रिश्ता लेकर के आ जाऊंगा। और वो तेरी एड़ी वही नहीं है ना, वो खुशी के मारे नाच उठेगी कि चलो अच्छा हुआ पीछा छूटा। अरे अब तो हंसो पहुंच लेना। अरे हंसना, अभी करेगा ना मैं तेरे साथ शादी। ये रस्सी कहाँ से आई तुम्हारे पास? साहब वो मैंने कुछ दिन पहले खरीदी थी। प्लास्टिक बांधना पड़ता है ना, नहीं तो बारिश में पानी अंदर आ जाता है, इसलिए। शिरके जी सर, ग्रीन नायलॉन की रस्सी ढूंढनी है, पीली नहीं। ओके सर। साहब मैं तो इधर भाखड़े पर ही था, ये रस्सी तो बहुत पुराना हो गया है, मेरे को नया लेने का था। कहीं ऐसा ना हो कि अभी बांधा और अभी टूट जाए। उसमें से थोड़ा सैंपल करके हम लेके जा रहे हैं, ठीक है? ठीक है साहब। सर हम लोग यहाँ तक आए हैं तो दादो सर के लिए एक महेश का वड़ा पाव लेते हैं, चटनी डाल के। ठीक है चलेगा। गौली शिरके तुम लोग बाकी की दुकानें चेक करो। सर ये तो बंद है। इसे ये महेश किधर गया, बंद क्यों है? साहब महेश भाऊ ने आज जल्दी बंद किया, उनको किधर काम से जाना था आज। बहुत ज्यादा प्रेशर बना था हम पर इस केस को सॉल्व करने का। समझ नहीं आ रहा था क्या करें, क्योंकि इस केस में कोई भी सॉलिड लीड नहीं थी हमारे पास। कहने को इंफॉर्मेशन तो बहुत थी, लेकिन उसके आधार पर किसी भी नतीजे पर पहुंचना मुश्किल था, सिवाय इसके कि एक सीरियल किलर था जो हाईवे पर एक के बाद एक सेक्स वर्कर्स का खून कर रहा था। और तभी एक ऐसी घटना घटी जो इस प्रोस्टिट्यूट वाले एंगल से अलग थी। दीपा, वृंदा को किसी ने मार दिया। वृंदा को क्या हो गया रे? बेटा, तुम्हें अंदर किसने बंद किया? मैं अंदर खेल रही थी और बाहर से किसी ने कड़ी लगा दी। अरे वो हेलो पुलिस स्टेशन। चलिए अडी, इनको बाहर निकालो सबको, जरा आप भी पीछे हो जाइए। गायकवाड़ We'll be right back.
एक काम करो गायकोड, पंचनामा करो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो, और फॉरेंसिक टीम को भी बुला लो। तू वो वड़ा पाव वाला है ना, तू यहाँ क्या कर रहा है? साहब, इसी ने मारा वृंदा को, हम घर आए तो ये यही था। मेरे लिए मारा है साहब, मेरे लिए मारा है, लेकिन जिसने भी मारा है ना उसे छोड़ेगा नहीं, मैं नहीं छोड़ेगा मैं। ए, चुप, क्यों जाला? नहीं छोड़ेगा मैं, नहीं छोड़ेगा मैं। मैंने पहली बार वृंदा में ही देखा कि माँ क्या होती है, उसने अपनी इज्जत भी संभाली और अपनी बच्ची के लिए खड़ी भी रही। मैं बोला उसको सब खर्चा दूंगा मैं, फिर भी अपनी बेटी के लिए उसने नौकरी की और उस हरकत गिरज के वहां वो नौकरी पे लग गई। इतनी अच्छी लगती थी वृंदा, तो उसको मारा क्यों? मैंने नहीं मारा साहब उसको, लेकिन जिसने भी मारा होगा ना साहब उसको नहीं छोड़ूंगा मैं। अच्छा, उसका भाई, उसकी भाभी सब झूठ बोल रहे। तू वृंदा को परेशान करता था, उसको धमकी देता था। मैंने वृंदा को धमकी नहीं दी थी साहब, मैंने प्रतीक और दीपा को बोला था कि उसको परेशान ना करें। मैंने तो वृंदा को सिर्फ इतना ही बोला था कि किसी के भी साथ ज्यादा हंसने बोलने का नहीं। अच्छा, क्यों नहीं हंसने बोलने का? मतलब तू कुछ भी कर सकता है, वो कुछ नहीं कर सकती, क्यों? ऐसा नहीं है साहब, दूसरों का छोड़ो, मैं वृंदा को हाथ भी नहीं लगाया था, और शादी से पहले साहब ने सोना तो दूर की बात, मैं तो प्यार करता था उससे, शादी बनाने का था, इसीलिए उसके घर पे मैं उसका हाथ मांगने के लिए गया था, लेकिन मेरे पहले वो वहां पे मरी पड़ी थी। हाथ मांगने गया था? हाँ साहब, करीब 2 बजे के आसपास वृंदा का मेरे को फोन आया था। हाँ हेलो महेश, आज तुम शाम को 4 बजे घर आ सकते हो? अरे शाम को कैसे आएगा मैं, इधर धंधा कौन संभालेगा? शादी की बात करने के लिए तुम एक दिन जल्दी दुकान बंद नहीं कर सकते? क्या तुम मेरे को शादी के लिए बुला रही है? मैं गाड़ी बंद करके घर गया, कपड़ा बदली किया, उसके घर के लिए निकला, जब घर जाके देखा तो वो पहले से मरी पड़ी थी साहब। कितने बजे पहुंचा उसके घर? उन्हें 4 बजे पहुंचा होगा साहब, तब तक वो मर चुकी थी, मैंने कुछ नहीं किया साहब, आपको पूछना है तो राजू से पूछ लो साहब। चल चल, मैंने मान लिया कि तूने वृंदा को नहीं मारा, किसने मारा? उसके भाई और भाभी ने मारा होगा साहब, क्योंकि उनको लगने लगा था कि वृंदा उन पे बोझ बनती चली जा रही है, और उन दोनों ने भी नहीं मारा होगा ना साहब, तो उस हलकट गिरीश ने मारा होगा उसे। सर ऐसी कोई बात नहीं, किसी ने आपको मेरे बारे में गलत बोला है, मैं उससे बहुत अच्छे से बात करता था। एक अच्छा है, तेरे दुकान में CCTV है, दिखा फुटेज दिखा, सब पता चल जाएगा किससे कैसे बात कर रहा था। इसमें ये क्या, चेक करो जरा। पासवर्ड क्या है सर? अरे पासवर्ड का है सर, वो मुझे अच्छी लगती थी, लाइन भी देती थी मुझे, तो मुझे लगा सब। तेरे दुकान में ग्रीन कलर की रस्सी है? ग्रीन क्यों सर? तू नहीं बताएगा। गायतोंडे सर, जरा शोधा सवीगढ़, देखो रस्सी मिलती है क्या? नहीं है सर। वैसे काफी रंगीन, काफी शौकीन आदमी लगता है तू, उधर तो जाता होगा। किधर सर? उधर प्रोस्टिट्यूट्स के पास। अरे नहीं सर, मैं वैसा आदमी नहीं हूँ। वैसा आदमी नहीं है? नहीं सर। तो वैसा आदमी है? हाँ, मतलब एक दो बार गया हूँ। हाँ, एक दो बार गया है, और वहां जाने के बाद उनका खून भी किया है। सिर्फ 4 को मारा है, और को भी मारा? अरे नहीं सर, मैंने किसी को नहीं मारा है सर। सब पता चल जाएगा। गायतोंडे सर, रापड़ लेगा? नहीं सर, दुकान चेक कर लिए और काउंटर भी देख लिए, कहीं ग्रीन कलर की रस्सी नहीं मिली। बोला ना सर, नहीं है सर कुछ। ठीक है चलो, तू इसे नहीं बताएगा, तेरे को है ना एक दिन हमारे यहाँ पे बुला के पूछूंगा। सर एक बार रस्सी के लिए इस महेश के वड़ा पाव के स्टॉल को चेक कर लेता हूँ। कर लो। पूरी गाड़ी को अच्छे से चेक करो, देखो ग्रीन रस्सी मिलती है क्या। नहीं नहीं है सर। सर वृंदा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इसके मुताबिक वृंदा के गले पे भी नायलॉन के ग्रीन कलर के रस्सी के ट्रेसेस मिले, मतलब हो सकता है कि ये भी उसी सीरियल किलिंग का हिस्सा हो। लेकिन वृंदा तो प्रोस्टिट्यूट नहीं थी, और उसका मर्डर हाईवे पर नहीं उसके अपने घर में हुआ है। जी सर,
सर, हमने महेश के कॉल रिकॉर्ड्स को चेक किया, वो सच कह रहा है। वृंदा ने उसे 2 बजे फ़ोन किया था और वृंदा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत 2:30 और 3:30 के बीच हुई। महेश के मोबाइल लोकेशन के मुताबिक इस दौरान वो अपने घर पे था। महेश अपने घर से 3:30 बजे निकला और 4:45 बजे वो वृंदा के घर पहुंचा। वृंदा के भाई प्रतीक ने हमें 3:55 को फ़ोन किया और हम वहाँ 4:15 बजे पहुँचे। सर, ये सब देखते हुए मुझे लगता नहीं है कि महेश ने वृंदा को मारा होगा। और सर, हमने महेश के वड़ा पाव की गाड़ी को भी चेक किया, वहाँ पर हमें कोई ग्रीन कलर की रस्सी नहीं मिली। वो तो रस्सी है गायकोड, वो तो गायब की जा सकती है, हटा दी जा सकती है। एक काम करो, महेश के साथ वो जो लड़का काम करता है उसको उठाओ, वो हमें बताएगा वहाँ रस्सी थी या नहीं, और अगर थी तो अब कहाँ है। साहब, महेश भाव तो बहुत अच्छे आदमी है साहब, कितना मदद किया मेरा, काम दिया मेरे को, खोली दिया इधर मेरे को, मैं उनकी वजह से हूँ यहाँ पर। अरे लेकिन एक बात बता, ये तेरा महेश भाऊ दिमाग से एकदम सटका हुआ आदमी है, कितना गुस्सा आता है उसको। अभी देखना, गुस्से में मार दिया ना वृंदा को। साहब, महेश भाव नहीं मार सकते वृंदा बहनी को साहब, मतलब वो तो उल्टा चाहते थे उनको, ऐसा मतलब प्यार करते थे, कितना कुछ किया उन्होंने उनके लिए, मैंने देखा मेरे सामने कितना कुछ किया, कितना कौन का। हाँ, मैंने देखा। ठीक है। अरे राजू सुन, इधर आना, इधर। हाँ सर। मेरे को एक बात बता, उस दिन गाड़ी बंद करके तू किधर गया था? मैं अपने खोली में गया सर, बंद किया, खोली में चला गया। तो रस्सी लेके गया तू? रस्सी? ऐसे घबरा क्यों रहा है, मेरे को रस्सी के बारे में पूछ रहा हूँ, सांप के बारे में नहीं पूछ रहा। नहीं, घबरा नहीं रहा सर मैं, कौन सी रस्सी? रस्सी रे, वो तुम लोग ठेला वेला बांधने के लिए रस्सी, बारिश वारिश आती तो टपरी बांधने के लिए रस्सी यूज करते ना, वो लेके गया तू? वो तो साहब वो रस्सी नहीं मिल रही, वो तो मिल नहीं रही, तो ढूंढा नहीं? मैं पूछा साहब आसपास के, मैंने दुकान वाले से ही पूछा, मैंने ठेला लगाते ना उनसे ही पूछा मैंने, किसी को मालूम ही नहीं साहब बस रस्सी कहाँ गई। क्या बात कर रहा है गायकवाड़, एक गरीब आदमी की रस्सी गायब हो गई, क्या कर रहे हो गायतोंडे, रस्सी गली। चल ठीक है, देखते, ये जरूर हमसे कुछ छुपा रहा है। एक काम करो, 24 घंटे तावड़े को इसके पीछे लगा दो और तब तक इस रस्सी के बारे में महेश से पूछते। रस्सी तो गाड़ी में होगी ना साहब, उधर ही तो थी। ए, तुझे गाड़ी चेक के लिए हमी, क्या नहीं है साहब? उधर ही थी, मैंने कल सुबह ही देखा था, उधर ही पड़ी थी गाड़ी में। पक्का उधर ही थी? हाँ साहब, लेकिन आप लोग मेरे से रस्सी के बारे में क्यों पूछ रहे हो साहब? रस्सी पे तेल गिरा था। अभी साहब इतना फ्राई करते तो रस्सी पे तेल तो गिरेगा ना साहब। साहब अभी तो आपको पता चल गया ना मैंने कुछ नहीं किया है साहब, फिर तो मेरे को छोड़ दो साहब, और साहब मैंने कुछ नहीं किया है साहब। सर, ये गिरीश के कॉल रिकॉर्ड से। सर, इस कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक वृंदा के मर्डर के वक्त, मतलब 3:20 से 3:35 के बीच, ये गिरीश वृंदा के घर के आसपास ही था। उतना देना। सब सच बता रहा हूँ सर। बोल। मैं कल गया था वृंदा के घर सर, उसे माफी मांगने गया था और उसे वापस जॉब के ऑफर देने, क्योंकि वो मुझे अच्छी लगने लगी थी, उसको मिस कर रहा था सर मैं। पर मैं जब उसके घर के पास पहुंचा तो मैंने एक आदमी को वहां से भागते हुए देखा, दरवाजा खुला था सर, जब मैं अंदर गया तो देखा वृंदा जमीन पर मरी पड़ी है। मैं बहुत डर गया था सर, इसीलिए पहले झूठ बोला। सर, मिर्ची ले गया, मिर्ची ये अभी मिर्ची खा के ही सच बोलेगा। अरे सर, सर आप मिर्ची क्या, मुझे गोली भी मारेंगे तो मैं यही बोलूंगा सर, क्योंकि यही सच है। तूने किसी को भागते हुए देखा? किसको देखा? हाँ, वही आदमी था जिसने तेरे साथ झगड़ा किया था वृंदा के ऊपर से? नहीं सर, कोई दूसरा था। अरे दिखता कैसे था, बोलना। सर 24-25 साल का आदमी था, लंबी नाक की पतली दाढ़ी थी सर, दुबला पतला था। ये था? हाँ सर, यही था।
अरे साहब, मैंने 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 मारा है साहब, मैंने मारा है वृंदा बहिनी को साहब। वो दिन जब बाबू दुकान बंद करके गया था, मैं रस्सी लेके बहिनी के उधर चला गया था साहब मैं। अरे राजू तू? मालूम है भाव का इंतजार कर रहे थे ना। अरे वो आज रोज की तरह थोड़ी ना आएंगे, आज तो सच धज के एकदम टिप टॉप बन के आएंगे वो। अभी तो उन्होंने बड़ा पाव भेजा आपके लिए। अच्छा भला एक गिलास पानी देना। देते हैं, आती है ना। अरे ये कहाँ गया? क्यों मारा वृंदा को? साहब मेरे को मालूम था साहब कि महेश भाई के आगे पीछे कोई नहीं है साहब, तो मेरे को लगा कि अगर महेश भाव वृंदा वहीनी के खून के इल्जाम में अंदर हो गए तो पूरा ठेला मेरा हो जाएगा साहब। चल ठीक है, मैंने मान लिया वृंदा को तूने ये वड़ा पाव की गाड़ी के लालच में मारा। उन चार औरतों को क्यों मारा? नहीं साहब मैंने नहीं मारा चार लोग, मैंने नहीं मारा साहब, मैं क्यों मारूंगा? झूठ बोल रहा है। अरे साहब मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं तो सच बोल रहा हूँ। अभी महेश भाव ने मारा, मेरे को मालूम है साहब, वो रस्सी लेके हमेशा जाते थे सर किधर को भी, मैं सोचता था किधर जा रहे रस्सी लेकर, एक दिन तेल गिर गया उसके ऊपर साहब, वो निकले मैं उनके पीछे पीछे गया, मैंने अपनी आंखों से देखा। उस दिन मेरे को मालूम चला साहब कि हाईवे पे जितनी भी धंधे वाली मरी हैं उनको भाव ने मारा। मेरे को तभी आइडिया आया साहब, मेरे को लगा कि मैं उस रस्सी से मैं। अरे तो तेरे को ये आइडिया नहीं आया कि अगर तू ये बात हमको बताता तो महेश वैसे भी अंदर जाता, फिर सारा धंधा तेरा हो जाता, ये समझ में नहीं आया तेरे को? साहब मेरी मदी मारी गई थी, मैं साहब मेरे को लगा कि हो जाएगा, मैं पागल आदमी गरीब आदमी, मेरे को लगा साहब मैं सच कह रहा हूँ। महेश मेरे को मालूम था ये दिन जरूर आएगा, पर महेश का भी मेरी बात सुना ही नहीं। इसका मतलब आप ये जानती हैं कि हाईवे पर जिन औरतों के खून हो रहे हैं वो आपका बेटा ही कर रहा है? जी साहब। तो आपने ये बात कभी पुलिस को बताई क्यों नहीं? अब बेटा है मेरा, मैं कैसे बता दे? कभी मैं भी इनमें से चल गया तब से मुझसे नफरत करता है। क्या कर रहा है महेश? सब कुछ मालूम है ना तुझे, फिर क्यों शादी करके उस लड़की की जिंदगी बर्बाद कर रहा है? चुप कर, उसके लिए मैं है, वो तेरी तरह नहीं है, वो मर भी जाएगी ना तब भी खुद को नहीं बेचेगी, और एक तू है, चल जान देना, तू क्या समझेगी साली। तू हमेशा मेरे को बोलता रहता है ना, पर तेरे को मालूम है कि मैंने धंधा काई को शुरू की, अस्पताल में था, डॉक्टर बोला अगर इसकी जान बचाना है तो इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, बहुत महंगा था इंजेक्शन, मैं नहीं खरीद सकती थी, अरे मैं ये नहीं करती ना तो तू मर जाता। अरे तू मर जाने देते, धंधे वाले की औलाद तो नहीं बुलाते मेरे को? इन सबको भी मेरी ही वजह से मारता है। आपसे नफरत करता है मतलब वो सेक्स वर्कर से नफरत करता है, इसीलिए ये सब कर रहा है। आपने उसे छोड़ा तो वो आया था घर। क्या कर रहा है? कपड़े काय को भर रहा है? किधर जा रहा है? जा रहा हूं मैं, लेकिन तू ये मत सोचना कि तेरी जात वाली को मारना बंद कर दूंगा मैं,
जब भी कभी मेरे को लगेगा ना कि पुलिस मेरे तक पहुंचने वाली है तो उससे पहले तेरे को पक्का मारेगा मैं। तू आखिरी होगी। मतलब वो आपको अपनी माँ को मारने आएगा? अगर बोला है तो जरूर आएगा। मैं 12 साल का हुआ जब मेरे को मालूम पड़ा कि मेरी आई क्या काम करती है। तुझे पता है तेरी आई क्या काम करती है? तेरे घर पे कपड़े और खाना लाने के लिए पैसे कहाँ से आते, कभी सोचा है? क्योंकि तेरे तो बाबा भी नहीं है। मुझे इतना पता है कि मेरी आई काम करती है तो फिर काम करके ही आते होंगे। देखना है तुझे, चल तुझे दिखाता हूँ। सभी धंधे वाले, उनकी पूरी जात से मेरे को नफरत हो गई। मैं सबको खत्म कर देना चाहता था ताकि फिर से कोई बिना बाप के नाम वाला महेश किधर को पैदा ना हो। फिर मेरे को वृंदा मिली, मेरे को लगा सब लोगों के माफी मेरा भी एक नॉर्मल लाइफ हो सकता है, पर राजू ने वो भी खत्म कर दिया। आखिर यह केस सॉल्व हो गया और सीरियल किलर महेश को पकड़ने में हम कामयाब हो गए। बड़ा दुख हुआ उन बेकसूर औरतों के लिए जिन्हें महेश ने मार दिया था, क्योंकि भले ही महेश की अपनी एक दुखी कहानी थी लेकिन उन औरतों की हालत भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी। 150 रुपए के लिए वो अपने आप को बेचने पर मजबूर थी। और सबसे ज्यादा दुख हुआ महेश की माँ सपना के लिए, जिसने अपने बेटे के लिए अपने आप को बेचा, लेकिन उसी की वजह से उसका बेटा शर्मिंदा था और अंत में एक भयानक कातिल बन गया। खैर, मैं इंस्पेक्टर राजेश जाधव आपसे विदा लेता हूँ, दोबारा मिलूंगा। तब तक सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक, क्योंकि मकसद बताना नहीं बचाना है। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।